हाय गाइस, आज हमारी 21 डेज रीडिंग क्लासेस का आज हमारा लास्ट डे है। और जैसा हमने बात की थी फ्रेंड्स कि अब हम सीधे पैराग्राफ रीडिंग पर जाएंगे, अब हम उस एक्चुअल रीडिंग पर जाएंगे जिस रीडिंग की आपको आवश्यकता है। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हूँ आपको। स्पेलिंग रूल हमने बताए हैं, वॉवल के साउंड बताए हैं, कॉन्सोनेंट्स के साउंड हमने बताए हैं, साइलेंट लेटर पर हमने बात की है, स्पेशल स्पेलिंग रूल्स पर बात की है, सब कुछ हमने कर लिया। पर अब हम देखते हैं आज आपकी और हमारी दोनों की अग्नि परीक्षा है कि इस सीरीज के माध्यम से आप अपनी रीडिंग को कितना डेवलप कर पाए। तो आज मैं आपको दो पैराग्राफ हैंडल कराऊंगा, आपको मेरे साथ बने रहना है और मेरे साथ ही प्रोनाउंसिएशन इनका करना है और चेक करना है कि हाउ मच कंफर्टेबल आर यू इन रीडिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से आप हमारी वीडियो सीरीज को फॉलो करेंगे और अपने नॉलेज को अपग्रेड करेंगे। चलिए आ जाइए। ओके, चलिए एक छोटी सी रीडिंग प्रैक्टिस है अबाउट माई स्वीट होम पर, ठीक है। सो देखिए, ओके, द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? आई एम प्रियंका, आई एम प्रियंका। आई एलआईवी लिव विद माई मदर एंड फादर। दे आर माई पेरेंट्स, दे आर माई पेरेंट्स। दे लव एंड केयर फॉर मी। I also love and obey them. I have a sister. We study and play together. We do not fight with each other. We keep things at their proper places. Okay, our grand grandparents live with us. They tell us stories. We love and respect them. They all are God's gift to us. अब नाउ दिस इज लिटिल बिगर, थोड़ा ध्यान से, टी ओ टू जी गे टी एच आर टूगेदर। सो वी टू टूगेदर वी मेक अ स्वीट होम। सो फ्रेंड्स चेक्ड, एक एक साउंड आपने चेक किया आई थिंक। चलिए एक पैराग्राफ और मैं आपको हैंडल कराऊंगा। ओके, इस पर हम बात करते हैं, इट इज लिटिल बिगर। ओके, थोड़ा सा ओके अंडरस्टैंड करते हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं और इस पैराग्राफ के माध्यम से, और इसके बाद हम इस सीरीज में तो नहीं, बाकी कुछ टिपिकल रीडिंग में आपके लिए और लेके आऊंगा लिटरेचर से रिलेटेड। चलिए तो अभी हम इस पैराग्राफ को हैंडल करते हैं। व्हाट इज दिस? ओके, डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट? ओके, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप? ऑफ कोर्स यू ब्रश योर टीथ, wash your mouth and take a bath. In the morning, you must learn to say good morning, wish your parents and say good morning to them. You must respect and obey them. Wish everybody at home. Take your breakfast and make it a habit to A नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ेंगे? A. Reach the school in time. When you reach there, say good morning to your teachers. When you meet your friends, wish them to in the afternoon. Earlier in learn to say good afternoon when you reach home after school. Keep your things at their proper places. In the evening, greet the people by saying good evening. When someone greets you, it is impolite not to accept greetings. Before you go to bed, say good night to everybody in the house. Now the time has come to thank God
द क्रिएटर ऑफ ऑल. ओके, यू कैन थैंक यू गॉड इन दिस वे. ओ गॉड आई थैंक यू फॉर मेकिंग मी. आई थैंक यू फॉर गिविंग मी पेरेंट्स, टीचर्स, टीचेस एंड फ्रेंड्स. ये टीचर्स भी हो सकता है, टीचर्स होगा फ्रेंड्स. आई थैंक यू फॉर द नाइट एंड द रेस्ट. आई थैंक यू फॉर द डे. आई थैंक यू फॉर एवरीथिंग. फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट के साथ आज हम एंड करते हैं अपनी रीडिंग प्रैक्टिस की ये 21 डेज की सीरीज. होप आपने इस वीडियो सीरीज को एंजॉय किया होगा. यदि आपको अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट दिखा है, आपको ऐसा लगा है कि आपका कम्युनिकेशन अपग्रेड हुआ है, तो आप अपने दोस्तों से इसको रिकमेंड करिए, उनसे शेयर कीजिए और उनकी भी प्रॉब्लम को दूर कीजिए. यहाँ मेरा एक ही इंटेंशन है कि कोई भी बच्चा इंग्लिश रीडिंग में और इंग्लिश राइटिंग में उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. दैट इज ओनली द एम फॉर दिस सीरीज. एंजॉय लर्निंग एंड फॉलो अस. ओके, बी विद अस ऑन दिस चैनल सो दैट यू कैन अपडेट योर स्पोकन एंड कम्युनिकेशन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.